हाँ जी, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर यही एडजस्टमेंट्स आपको एडमिशन चैप्टर में आ जाती हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो आपको इनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर टू, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। और लॉसेस, तो विद एग्जांपल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये चीजें। एग्जांपल नंबर वन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:2:1, दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। फॉर 1/10 शेयर ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व है हमारे पास 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास डेबिट बैलेंस 30,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास 3,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1,00,000 का, लाइबिलिटी है उसकी 70,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 50,000 का, फॉल इन वैल्यू, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 10,000। पास जर्नल एंट्री केस वन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, केस टू डू नॉट चेंज अबव फिगर्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको दोनों केसेस दे दिए, आपको लग रहा होगा ये चैप्टर ही नया है। आप देखिए सिर्फ ये इस लाइन के अलावा कि एक नया पार्टनर है, इसमें क्या नया है? कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है ना। हाँ जी चले आगे, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। टेन थाउजेंड से फॉल है, करवा दूंगी तब सॉल्यूशन। केस नंबर वन सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। अब केस नंबर वन में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करोगे रिजर्व्स का? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, करेंगे करके किसको दोगे रिजर्व्स? किसको मिलने चाहिए, पुराने को नए को? भी पुराने को। तो बस जनरल रिजर्व उठाया 80,000, इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि हर हर किसी में एडजस्टमेंट है कोई ना कोई। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप बताओ नए को कुछ देना चाहिए नहीं चाहिए? पुराने रिजर्व में उसका कोई राइट है? तो आपको क्वेश्चन ही क्यों आया, नए को क्या होगा? नया तो आ जाए ना, आज से कमाना शुरू करेगा तो आज से मिलेगा, पुराने में तो उसका कोई राइट नहीं है। या तो पुराना चाहिए उसको तो वो पैसे देगा उसके, क्वेश्चन में रोल नहीं है। लेकिन सिचुएशन तो तभी आई ना जब नया आया, अगर नया आता ही नहीं तो ये सिचुएशन ही ना होती, फिर तो हम ऐसे ही चलते रहते। ठीक है जी, तो 32,000 और 16,000 रिजर्व बढ़ गए विदाउट। सेकेंड जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितने का? डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 30,000 लॉस। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कितने का लॉस है? 30,000 का। बांटो जरा 2:1 में, 12,000 और 6,000। ओके, थर्ड
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ABC2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का है, 3000 का, तो 1200 और 600, ओके 2-2-1 में। और क्या है, WCR 170,000 लाइबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000, लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR 70,000 और बाकी 30,000 किस में बढ़ जाएगा, ए में, बी में और सी में, कितना 12, 12, 6, 2-2-1, ओके। आपको जीरो ज्यादा कम दिख रही है, हाँ जी। फॉल इन वैल्यू देखिए, आई एफ आर 50,000 और फॉल इन वैल्यू है 10,000। फॉल इन वैल्यू का मतलब क्या है, आई एफ आर बनता ही क्यों है, 50,000 का आई एफ आर था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से फॉल हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से नीचे गिर गई, बाकी पैसा किस पे बढ़ जाएगा, ए बी और सी में, ठीक है जी। कितना किस रेशो में, 2:2, 2:1 कितना आ जाएगा, 16,000 और 8,000, ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे, नोट डाउन कर लो ये। अब आते केस नंबर 2, आपको लगेगा कि एडमिशन के अंदर इसमें कहीं चेंज है, केस नंबर 2 में, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, चेंज इन PSR, एडमिशन रिटायरमेंट दैट सब सेम। केस नंबर 2 क्या कह रहा था, नॉट टू चेंज अबव फिगर्स, है ना। अब इसके अंदर हमारे पास दो स्टेप के अंदर हम ये काम खत्म कर देते हैं, कैसे, ये देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट आया लॉस, हमारे पास यहाँ था जनरल रिजर्व कितने का था, 80,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का था, 30,000 नेगेटिव, 30,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3,000 नेगेटिव, नुकसान है ये भी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 पॉजिटिव और आई एफ आर 40,000 पॉजिटिव, यही था। अब देखो आपको फायदा है नुकसान है, 80,000 प्लस 120 माइनस 3, 1,17,000 के आपके पास प्रॉफिट्स है, क्या है, प्रॉफिट्स, और जब आप प्रॉफिट्स को नहीं बांटते तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना जी, है ना। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ भी मेहनत नहीं करनी, नया पार्टनर आया तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, न्यू पार्टनर को शेयर कितना देना है, 1/10, इसके अलावा तो और कुछ नहीं गिवन, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गया, 2:1 ही हो गया, बताया था पिछली वीडियो से, को यही बताया हुआ है कि अगर किसी नए पार्टनर को आप कोई आता है तो पुराने पार्टनर को किस रेशियो में सैक्रिफाइस होता है, 2:1 में, और इसमें गेनिंग कौन होगा, नया पार्टनर गेनिंग है भाई, है ना, नया पार्टनर गेनिंग है, तो हुज़ द गेनिंग पार्टनर, डी इज़ द गेनिंग पार्टनर, तो जर्नल एंट्री विल बी डी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी को कितना गेन हुआ, पहले डी का शेयर क्या था, 0, अब कितना है, 1, तो 1/10 गेन हो गया ना, तो 1,17,000 का 1/10 इसको आते ही मिल गया कितना, 11,700, और ये नुकसान ए को भी हुआ, बी को भी हुआ, और किस रेशो में हुआ, 2:1 में, तो बस इस 11,700 को 2:1 में बांट दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 × 2 × 10 × 3 × 15 × 2 × 3 × 4 × 0, तो ये आएगा 2 × 3 × 4 × 0, ठीक है, 4 × 6 × 8 × 0, 4 × 6 × 8 × 0, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स, हाँ जी सर,